ना मेरा साथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर धर, जय जय माखन चोर। श्रोतागण भाई बहनों, यह मार्मिक कथा मातृ पितृ भक्त शोभान कुमार प्रस्तुत है राठौर कैसेट के माध्यम से, तो सुने। मात पिता का लाड़िला बेटा श्रवण कुमार, और इकलौता था मात्र वह जीवन का आधार। आज्ञाकारी था बड़ा विदित सकल संसार, और कथा उसी की मैं कहूँ सुनो सभी चितधार। श्रोतागण भाई बहनों, श्रवण कुमार के माता पिता पूर्व जन्म में कौन थे, और श्रवण कुमार की जो पत्नी थी वो पूर्व जन्म में कौन थी, ये सारा प्रसंग आप सुनेंगे राठौर कैसेट के माध्यम से, तो सुनिए भैया। कि सूख गया एक ताल सुनाऊं हाल अगारी भाई, जल बिन है व्याकुल जीव कहिय ना जाई, जल बिन है व्याकुल जीव कहिय ना जाई। अरे एक कछुआ हैरान सुनो दिया ध्यान रहो घबराई, पानी की करे गुहार प्रभु से भाई, पानी की करे गुहार प्रभु से भाई। प्रिय बंधुओं, एक तालाब का पानी सूख गया था, जीव जंतु बिना पानी के मर रहे थे, और उसी तालाब में एक कछुआ थोड़े से कीचड़ में पड़ा भगवान से पानी के लिए प्रार्थना कर रहा था। दो हंस हंसनी प्यारे दे भूख प्यास के मारे, दो हंस हंसनी प्यारे थे भूख प्यास के मारे। रुक गए तालाब किनारे सच मानो बचन हमारे, उसी जगह हंस और हंसनी का जोड़ा भी आ गया। वे दोनों पक्षी भूख से व्याकुल थे। जब उन्होंने उस कछुआ के चमकते हुए नेत्रों को मोती समझकर चुंग लिया, तो भैया हुआ क्या कि दो ने ना निकार लाई रे दो खा हुई भारी, हाँ दो ने ना निकार लाई रे दो खा हुई भारी। धरनी पर कछुआ तड़पावे बिना नयन कछु नजर न आवे, धरनी पर कछुआ तड़पावे बिना नयन कछु नजर न आवे। अब होनी ने बादर पार दई रे धोखा हुई भारी, दो ने ना निकार लई रे धोखा हुई भारी। कछुआ बेचारा नेत्रहीन हो गया, आंखों से रक्त बह रहा था। कछुआ तड़पाते हुए बोला, अब मेरी जान बचन नहीं पावे बैरिन चील ऊपर मड़ रावे, अब मेरी जान बचन
बचन नहीं पावे, बैरिन चील ऊपर मड़ रावे। मुझे कौन से बैर निकार लई रे धोखा हुई ओ भाई। इस प्रकार कछुए को व्याकुल देखकर हंस और हंसनी बहुत दुखी हुए। वे कछुए से कहने लगे कि भैया एक बात हमारी सुन लो, भूल तो हमसे हो गई लेकिन ये भूल अनजाने में हुई। अगर मैं ये जानता कि ये तुम्हारे नेत्र हैं भैया, तो मैं तुम्हारे नेत्रों को नहीं निकालता। श्रोतागढ़ भाई बहनों, कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। अरे समझ नहीं पाई कि दुनिया समझ नहीं पाई, कैसी हो कैसी हाँ कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंस और हंसनी कहने लगा, धीरज धरो करो मत चिंता, युक्ति समझ में आई। धीरज धरो करो मत चिंता, युक्ति समझ में आई। और इस लकड़ी को भैया अपने मुंह में ले दबाई, तुमको हाँ तुमको तुमको समुद्र दे पहुंचाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंस कहीं से एक लकड़ी ले आया और कछुए से कहा कि तुम इस लकड़ी को मुंह में दबा लो, तो मैं तुम्हें समुद्र में पहुंचा दूंगा। कछुए ने आज ऐसा ही किया। अब वे दोनों हंस और हंसनी लकड़ी को लेकर उड़े, तो भैया हुआ क्या। अरे लकड़ी लेकर उड़े हैं दोनों कछुआ संगम जावे, लकड़ी लेकर उड़े हैं दोनों कछुआ संगम जावे। और विकट बनी में लगी आग है, होनी रंग दिखावे। कछुआ ओ कछुआ कछुआ गिरो अग्नि में जाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कछुआ गिरो अग्नि में जाई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंसनी और हंस कछुए के साथ तीव्र वेग से जा रहे थे। भगवान की माया से आगे जंगल में आग लग गई। अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थीं। कछुआ अग्नि की लपटों को सहन नहीं कर पाया और भैया वो कछुआ उसी जंगल में उसी अग्नि में गिर गया। अरे पीछे पीछे उड़ी चीलिया है गुस्सा में भारी, पीछे पीछे उड़ी चीलिया है गुस्सा में भारी। और तुमने मेरा भोजन छीना, करूं किसी दिन खारी। सांची ओ सांची सांची तुमको रही बताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। श्रोतागढ़ भाई बहनों, पीछे से वह चील भी उड़ती हुई हंस और हंसनी से क्रोध में बोली कि तुमने मेरा भोजन छीना है, इसलिए मैं यह वैर अगले जन्म में अवश्य निकालूंगी।
अरे भैया यह दृश्य और ये बात हंस और हंसनी ने सुनी। और भैया उधर वो चील भी उसी अग्नि में गिर पड़ी, अपने प्राणों को त्याग दिया हंसनी ने। और उस हंस ने जब ये दृश्य देखा तो घबरा गए श्रोतागढ़ भाई बहनों। आज वह हंस और हंसनी भी उसी जंगल में उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। वे चारों वही अग्नि में जलकर राख हो गए। इसके बाद भैया आप ये सुने कि इस हंस ने कहां जन्म लिया, हंसनी ने कहां लिया, कछुए ने कहां लिया, और भैया उस चील ने कहां जन्म लिया। ध्यान देकर सुने कि मनुवंश में हंस हुआ पैदा। रघुकुल में अज की पुत्री बनिया, रघुकुल में अज की पुत्री बन है जन्म हंसनी ने पाया। चील बील घर जन्मी है, वो चील बील घर जन्मी है, वेदों ने ऐसा बतलाया। श्रोतागढ़ भाई बहनों, हंस ने पवित्र मनु वंश में जन्म लिया और उस हंस का नाम रखा गया ओध्यालक ऋषि। और हंसनी ने रघुकुल में अज की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इनका नाम चंद्रकला रखा गया। तो भैया धीरे धीरे जब चंद्रकला बड़ी हुई तो उसे रहस्यपूर्ण ढंग से ओध्यालक ऋषि को अर्पण कर दिया गया। चंद्रकला के गर्व से नास केतु का जन्म हुआ। तो एक दिन की बात है कि कामदेव के जोर से ऋषि हुए लाचार, और किया अनैतिक कार्य नहीं मन में किया विचार। दिन में माता पिता के अनैतिक कार्य को देखकर नास केतु ने श्राप दे दिया कि तुम इसी समय अंधे हो जाओ। प्रिय बंधुओं, शाप के देते ही वे दोनों अंधे हो गए। और इधर नाश केतु जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। प्रिय सज्जनों, ध्यान रहे, यह नाश केतु वही कछुआ था जिसके दोनों नेत्र हंस और हंसनी ने निकाल लिए थे। श्रोतागढ़ भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। उन बेचारे अंधी अंधे को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति पुनः हुई और नाम रखा गया श्रवण कुमार। भाई बहनों, श्रवण कुमार जब बड़ा हुआ तो दैव योग से उसकी शादी उसी विद्या देवी के साथ की गई जो भील की कन्या थी। यही विद्या देवी पूर्व जन्म में चील थी। अब ध्यान दें भैया कि आगे क्या हो रहा है। विद्या देवी बहुत सुंदर युवती थी, वह श्रवण कुमार की सेवा मन लगाकर करती थी। श्रवण कुमार भी अपनी पत्नी विद्या देवी को बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन
आरे विद्यावती नारी श्रवण की कीनी चतुराई। और एक हड़िया दो पेट बना कर कुम्हार से लाई, एक हड़िया दो पेट बना कर कुम्हार से लाई। एक में खीर बनाती है शबर कुमार की पत्नी अपने पति को बहुत प्यार करती है, लेकिन माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। शबर एक दिन जल्दी आयो और खाना हुई गो त्यार, लला मन में अति हर्ष आयो। बदल गई धोखे से थारी और पिता खाए रे खीर, मगन मन में है अति भारी। थाली बदल गई भैया, महेरी वाली थाली शबर कुमार के पास आ गई और जो खीर बनाई थी वह थाली विद्यावती ने अपने सास ससुर को दे दी। धोखा हो गया। महेरी शरबत खाई है और आंखें हुई गई लाल, नारी को गिरा सुनाई है। बनी है तू ना गिनकारी और मात पिता के साथ करी है घटियाई भारी। शबर कुमार ने यह जवाब दिया, तो इना मुख दिखलाऊंगा और तीरथ करने माता पिता को मैं ले जाऊंगा। तो इना मुख दिखलाऊंगा और तीरथ करने माता पिता को मैं ले जाऊंगा। बंधुओं, अपनी पत्नी विद्या देवी के दुर्व्यवहार को देखकर शबर कुमार को बहुत दुख हुआ। उसने जंगल से चंदन की लकड़ी लाकर कांवर बनाई। Thank you.
अपने माता पिता को कांवर में बैठा कर तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगा। यह देखकर विद्या देवी का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वह अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी जी चरण पकड़ कर रोक अगारी, कहने लगी यूं नार, मानो कही माफ मोई कर देओ प्रीतम प्राणाधार, जाओ मत सैया घर से नीर ने नन से ढर के, जाओ मत सैया घर से नीर ने नो से बरसे। पति मानो मेरा कहना तुम क्यों गुस्सा में छाए, भूल क्षमा मेरी कर दो तुम तरसिन मेरा आए, भूल क्षमा मेरी कर दो तुम तरसिन मेरा आए। पति के बिना नाथ नारी का है जीवन बेकार, जाओ मत सैया घर से नीर नैनो से बरसे, जाओ मत सैया घर से। स्वामी मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगी, हमसे भूल हो गई स्वामी जी, हमें छोड़ के तुम ना जाओ। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार विद्या देवी श्रवण कुमार से आरजू मिन्नत करती रही, लेकिन फिर भी उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। मंजिल मंजिल चल रहा मात पिता का लाल, पूरी अयोध्या के निकट पहुंच गया तत्काल। अयोध्या के पास में एक सघन वन था, जब उस सघन वन में पहुंचे व्याकुल तन है धूप से प्यास सही ना जाए, अंधी अंधा यूं कहें श्रवण को समझाए। बेटा श्रवण कुमार, आज धूप से मेरा शरीर व्याकुल है, प्यास के कारण गला सूख रहा है, सुनो बेटा। ओ बेटा श्रवण कुमार मेरे, निक पानी जरा पिला देना, अब होठ प्यास से सूखी रहे, मेरे दिल की तपनी बुझा देना। सुनो बेटा, ऊपर से रवि की तपनी बहुत, प्रतिदिन भी आग उगलती है, रह रह घबराता प्राण मेरा, निक पानी जरा पिला देना। हो कहीं अगर शीतल छाया कुछ मिले तसल्ली इस तन को, पल भर कांवर को ठहरा कर थोड़ा आराम दिला देना। ओ बेटा श्रवण कुमार मेरे, लिक पानी जरा पिला देना। बेटा श्रवण कुमार। हाँ पिताजी, बोलो। बेटा बहुत जोर से मुझे प्यास लगी है, मुझे छाया में आराम दिलाकर पानी पिला दो। बेटा मेरा गला सूख रहा है, गर्मी के मारे शरीर में व्याकुलता छा रही है। भाई बहनों, माता पिता को प्यास से व्याकुल देखकर श्रवण कुमार तू भी लेकर पानी लेने चला गया।
धीरे धीरे जब शाम हो गई तो श्रोतागण भाई बहनों ध्यान दें कि होले होले वन वन डोले पानी बिन कछु न सुहाई रे हैं प्यासे पिता और मैया। होले होले वन वन डोले पानी बिन कछु न सुहाई रे हैं प्यासे पिता और किया उपाय रे हैं प्यासे पिता और मैया। प्रिय बंधुओं, इधर तो श्रवण कुमार ने जब तालाब देखा स्वच्छ जल था, सोचा तू भी मैं पानी भर लूं और अपने माता पिता को पिला दूं। लेकिन प्रभु की माया देखे कि इधर इधर हुआ क्या। अवधि नरेश शिकार खेलने उसी जगह पर आया, शाम हो गई कुछ न मिला तो मन ही मन पछताया। ओ भैया मन ही मन पछताया। सूरज की छिपन व्याकुल है तन, सूरज की छिपन व्याकुल है तन, आगे को कछु न दिखाई रे हैं प्यासे पिता और मैया। अवध नरेश दशरथ शिकार खेलते खेलते उसी जगह पर आ जाते हैं और इधर शाम हो गई मगर उनका शिकार अभी तक न मिला। आरे लिखे अंक हैं जो विधना ने बीरन कोई मिटाया नहीं, और टूटी गा जया जब बेटा पे सिर पे मोती रही मड़ रही। भीतर जल से डब डब शब्द सुनाए और झुकी रहनी अंधियारी वही आया गे पीछे कछु न दिखाए। अरे दशरथ जानी मिर्गा कोई बाण धनुष पे लो चढ़ाई, और छोड़ो बाण शब्द भेद दिया है जो सरवर के गो समाई। और खाई पछाड़ गिरो धरनी पे संगीता सच रही बताई। बाण के लगते ही बेचारा श्रवण कुमार जमीन पर गिर गया, शरीर से खून की धारा चलने लगी और देखते देखते सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसके मुंह से हाय हाय शब्द निकला, वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा और बोला, पापी तू कौन है, तूने मुझे वार क्यों मारा। ताड़ लेने वाले पापी
मुखड़ा दिखा दे, बता खोट तेरा क्या मैंने किया है। प्राण लेने वाले पापी मुखड़ा दिखा दे, बता खोट तेरा क्या मैंने किया। पिता है अंधे तीरथ को आए, बिकट बनी में दोनों प्यास ने सताए। आया था पानी लेने व्याकुल जिया है, आया था पानी लेने व्याकुल जिया है, बता खोट तेरा क्या मैंने किया है। शबर कुमार की करुणा भरी पुकार सुनकर दशरथ वहां पहुंचे तो उनका कलेजा दहल गया, हृदय की धड़कन बढ़ गई। हाय हाय, हे प्रभु, ये क्या हुआ? मैंने तो अपने भांजे को ही वाण मार दिया। श्रोताओ, दशरथ ने शबर को अपनी गोदी में बैठा लिया, आंखों से अश्रु धारा चलने लगी और रोकर के दशरथ जी बोले कि सुनी शबर के बचन यूं राजा कही घबराई कर, दशरथ नपति में अवधि का बेटा सुनो चितलाई कर, मामा तुम्हारा खासू मैं आकेट को आया इधर, सूरज छिपा दिन ढल गया तालाब पर पहुंची नजर, मैंने समझ तुझको हिरन मारा निशाना तानी है, बेटा मेरे कर दे क्षमा, मामा तेरा बिनती करे। बेटा शबर कुमार, यह तुम्हारा अभागा मामा दशरथ तुम्हारे सामने खड़ा है, माफ कर दो बेटा, इस हत्यारों को माफ कर दो। बेटा, मुझ पापी ने ही हिरन समझकर तुम्हारे बाण मार दिया। हाय हाय, अब मैं क्या करूं, यह सब कुछ धोखे धोखे में हो गया। भगवत प्रेमियों, इधर तो शबर कुमार और महाराज दशरथ का वार्तालाप चल रहा है और इधर उद्यालक ऋषि और चंद्रकला अपने बेटे को बुला रहे हैं। ओ बेटा तू आजा और नीर पिला जा, धरे ना दिल धीर है, कब से लेने को गया तू बेटा नीर है। ओ बेटा तू आजा नीर पिला जा, धरे ना दिल धीर है, अगे बेटा तू गया लेने को नीर है। तुमने ये जले हमसे लाने को कहा था, लाऊंगा तू ना लाया,
कैसे ढूंढे, बता कहाँ जाए, कहाँ पे तुझे पाए, जंगल के पड़े तीर हैं, कब से लेने को गया तू बेटा नीर है। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, आज इतनी देर कहाँ लगा दी, अब तो तुम्हारे बिन पल पल वर्षों के समान कट रहा है। श्रोताओ, इस प्रकार वे बेचारे श्रवण कुमार के आने की प्रतीक्षा में हैं, और इधर श्रवण कुमार का क्या हाल है। आरे तीर कलेजे लगा श्रवण के, घाव भयो गंभीर, और लतपत काया हुई लहू से व्याकुल भयो शरीर, लतपत काया भई लहू से व्याकुल भयो शरीर। घर से कावर लेके आया तीरथ ने कराऊंगा, मुझे नहीं मालूम ऐसा था अपने प्राण गवाऊंगा। अरे हाय हाय मैं मात पिता के अपना दर्शन पाऊंगा, और अंत समय अब मेरा आया, मैं सुरपुर को जाऊंगा। अंत समय अब मेरा आया, मैं सुरपुर को जाऊंगा। अरे तर तर का पे गाती हमारो सही जाति ना पी, और लतपत काया हुई लहू से व्याकुल भयो शरीर। अयोध्या नरेश बेटा श्रवण की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगे, उसे धैर्य बंधाने लगे, मगर श्रवण कुमार की जुबान पर माता पिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता था। वह अंत में दशरथ से बोला, मामा मामा अब तो सारा खून शरीर से निकल गया, मैं ज्यादा देर जीवित नहीं रहूंगा, अतः मेरी एक अंतिम इच्छा है मामा, उसे पूरा कर दो। शोधकगढ़ भाई बहनों, दशरथ ने जवाब दिया, बोलो बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा। आज श्रवण टूटते स्वर में बोला कि मामा प्रभु तेने कैसी विपत्ति डारी, छूटे प्यासे पित और मात, प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, छूटे प्यासे पित और मात। ठीक जो होता जल ले जाता, मात पिता को जाके पिलाता, कि जो होता जल ले जाता, मात पिता को जाके पिलाता, फिर मैं उनके चरण दबाता, अब बड़ी विपत्ति भारी, छूटे प्यासे पिता और मां। मामा जल ले कर की जाना,
मात पिता को पानी पिलाना, बाद में मेरा हाल बताना, अब पल पल है भारी छूटे प्यासे। भैया आज श्रवण कुमार का कैसा हाल है? कहते कहते छूटी नारी, काल ले खाए लयो कुमार हजारी। कहते कहते छूटी नारी, काल ले खाए लयो उमर हजारी। देखो लीला प्रभु की सारी, काया पड़ी रही प्यारी झूठे प्याजे पितर। प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, झूठे प्यासे पितर। मामा मैं तो जा रहा हूँ इस संसार से, लेकिन मेरे दिल में एक ही बात रह गई कि मैंने अपने प्यासे माता पिता को पानी नहीं पिलाया। हे मामा, मेरे मरने के बाद मेरे प्यासे माता पिता को पानी अवश्य पिला देना, नहीं तो वो मेरे वियोग में ही प्यासे ही दम तोड़ देंगे। श्रोतागण भाई बहनों, आज इतना कहकर और धीरे 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 श्रवण ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और इधर राजा ने क्या किया कि जल ले करके चल दिए दुखी भये भूपाल, अंधी अंधे के निकट पहुंच गए तत्काल। तू भी मैं जल लेकर राजा दशरथ अंधी अंधों के पास पहुंचे। प्यासे थे बेचारे दोनों, जंगल में भारी तड़प रहे। जल लेकर दशरथ मौन खड़े, कैसे बोले थे डरप रहे। आज दशरथ तू भी लेकर खड़े हुए हैं। श्रोतागण भाई बहनों, कुछ आहट करके तू भी को दोनों की तरफ बढ़ाया है। चुपचाप खड़ा क्यों लालू मेरे, दोनों ने वचन सुनाया है। भी को तो उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन पानी पीने से पहले उद्यालक ऋषि और चंद्रकला बोले, बेटा बेटा तूने इतनी देर कहाँ लगा दी, तू कहाँ गया था? लाला बोल तो सुनाई दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाड़े। लाला बोल तो सुनाई दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाड़े। अरे बड़ी देर में बेटा मेरे तू जल लेकर आयो, बड़ी देर में बेटा मेरे तू जल लेकर आयो। और बता कौन सी जगह चलोगो, लगायो दिल की बात तो बताए दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाड़े। पूछते पूछते काफी देर हो गई,
राजा दशरथ नहीं बोले, बोलते ही कैसे, वे तो पापी थे और पापी का बंधुओं हृदय कमजोर होता है, वह सिर उठा के कभी किसी से बात नहीं कर पाता। इधर चंद्रकला और उद्यालय कृषि ने समझ लिया कि अब मेरा बेटा श्रवण कुमार नहीं है, अरे यह तो कोई छलिया मालूम होता है। वह क्रोध में बोले, श्रोतागण भाई बहनों, क्रोध में आकर के ये बोले, जरा भेद बता दे छलिए, कहां बेटा श्रवण कुमार है, दिल मेरे में आती है, मुझसे रूठ गए करतार है। जरा भेद बता दे चलिए, कहां बेटा श्रवण कुमार है, दिल मेरे में आती है, मुझसे रूठ गए करतार है। जैसे ही बंधुओं उद्यालय कृषि ने क्रोध में उसे ललकारा और कहा, यदि तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। भैया, श्राप की बात सुनकर राजा दशरथ भय से कांपने लगे और हिलकी भरकर बोले कि जल से गए भीग दो नैना, फिर अपने बचन उचारा है, पूरी मेरी राजधानी न दशरथ नाम हमारा है, आखिट करण को आए थी, हो गया विपिन में लाभ तीर जल भरे, कुमार मृग समझवाण हमने मारा, राजा दशरथ बोले, ईश्वर मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मैं इस विपिन में शिकार खेलने आया था, धोखे में मृग समझकर मैंने तुम्हारे बेटे की वाण मार दिया, आज तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार मेरे हाथों से मर चुका है, हे ऋषिवर मैं हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर उद्यालय कृषि और चंद्रकला की भैया चीख निकल पड़ी और रोते रोते बोले, आज पापी गजब तूने ढाया, बैरी है किस जन्म का निभाया, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, आज पापी गजब तूने ढाया, बैरी है किस जन्म का निभाया। तीर्थ कराने को लाया राजा,
राजा। पापी तूने जुलम कैसा कीना, लाल हमसे हमारा है छीना राजा। अध्यालक ऋषि बोले, तेरा पानी नहीं हमको पीना, बिन बेटा के होगा न जीना राजा। हे प्रभु क्या समय ये दिखाया, बैरी है किस जन्म का निभाया राजा। बताओ बेचारे वे दोनों बुरी तरह से बेटे की याद में तड़प रहे हैं। जिस प्रकार बिना पानी के मछली का बुरा हाल हो जाता है, आज वही हाल उन दोनों का है। पुत्र वियोग में वे बेचारे छाती पीट पीट कर रोते हैं। अपने बेटे को बुलाते हुए वे कहते हैं, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है और तू अभी तक पानी लेके नहीं आया, क्या कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? अरे हाय बेटा तू हमसे क्यों रूठ गया, अब मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊं। भाई बहनों विलाप करते करते कभी वे वेसुध हो जाते हैं, और जब उन्हें होश आ जाता है तो बेटा बेटा कहकर पुकारने लगते हैं। अंत में वे दशरथ को शाप देते हुए बोले, हमें क्या दुख दिया तूने, लाल छीना हमारा है। तुझे हम श्राप देते हैं, तरे ना जो भटारा है। हमें क्या दुख दुया तूने, लाल छीना हमारा है। तुझे हम श्राप देते हैं, तरे ना गोवर्धारा है। अध्यालक ऋषि रोते हुए बोले, महाराज दशरथ विरह सुत का सताएगा, समय तुझ पर भी आएगा। विरह सुत का सताएगा, समय तुझ पर भी आएगा। तभी तेरे प्राण जाएगी, रोएगा कुटुंब सारा है।
गया दुख दिया तूने लाल छीना हमारा है तुम्हें हम श्राप देते हैं चले ना जो बतारा है बुलाती मौत अब हमको जा रहे बस बेटे के दशरथ तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया सुनो बुलाती मौत अब हमको जा रहे बस बेटे के लौट कर तुम अवध जाओ हे भगवान हे परम पिता परमेश्वर इतना भारी पहाड़ मेरे ऊपर क्यों डाल दिया लौट कर तुम अवध जाओ कदम की साये सारा है हमें क्या दुख दिया तूने लाल छीना हमारा है तुम्हें हम श्राप देते हैं तरे ना जो भटारा है बुलाती मौत अब हमको जा रहे पास लौट कर तुम अवध जाओ खत्म की साये सारा है इस प्रकार दशरथ को श्राप देकर उद्यालक ऋषि ने अपने प्राण छोड़ दिए इसके पश्चात चंद्रकला ने भी अपने प्राण छोड़ दिए कर अंतिम संस्कार किया और दुखी होकर वह अपनी अयोध्या के लिए वापस चले गए श्रोतागण भाई बहनों इस तरह से आपने श्रवण कुमार की बहुत ही मार्मिक कथा राठौर कैसेट के माध्यम से सुनी धन्यवाद